हेलो। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम लोग दोबारा से मिल रहे हैं। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए, थैंक्स कीजिए मेरे माता पिता का और अपने आसपास के पड़ोसी का, जिसके दुआ से आज हम लोग वापस एक साथ फिर से मिल रहे हैं। आप क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं और क्लास 8 के जो स्टूडेंट्स होते हैं, अब उनको यहाँ से धीरे धीरे एक सपना लेना शुरू करना होता है, जहाँ से उनकी स्टडीज बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो आज जो चैप्टर हमारा सेकंड शुरू किए थे पिछले क्लास में, माइक्रो फ्रेंड्स एंड फो, आज हम लोग इसकी समाप्ति करेंगे। और आपसे ये आग्रह रहेगी, पूरी लेक्चर ध्यान से सुने और जो लास्ट का इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो आप यहाँ से समझ के जाए। तो आइए हम लोग आगे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेना है, हम लोगों ने जो बात किए थे फर्दर, वो बात किए थे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था हमारा दोस्त, उनके हम लोग बेनिफिट्स के बारे में बात किए, उनके हार्मफुल एस्पेक्ट्स के बारे में बात किए, और हमने बात की हाउ दे आर यूजफुल इन आवर एवरीडे लाइफ, आइदर इट इज इन मेडिसिन फील्ड, एग्रीकल्चरल फील्ड, सीवेज ट्रीटमेंट दैट इज डिकम्पोजर्स, और भी अलग अलग सेगमेंट्स में जो हमारा फूड सेक्टर था, वो हमारा बेकरी सेक्टर था, सभी में जाके बैक्टीरियाज का दैट इज माइक्रोन का यूज पड़े थे। आज हम लोग देखेंगे जो फूड प्रिजर्वेटिव्स की बात करेंगे, दैट मीन्स आपको मैंने बताया था कि जो हमारा माइक्रोब्स होता है वो काउज करता है फूड डिग्रेडेशन, स्पॉइलेज ऑफ फूड। तो क्या आप जानिए, हमने अच्छे से एग्रीकल्चर किया, हमने फूड को प्रोड्यूस किया, और जब उसे माइक्रोब्स हमारा डैमेज कर दे रहा है, स्पॉइलेज कर दे रहा है, इन दैट केस हाउ कैन वी फुलफिल द डिमांड ऑफ फूड्स टू द वास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान ये रखना होता है कि हम लोग जो फूड को प्रोड्यूस करते हैं उनको प्रिजर्व करें। साथ ही साथ अगर मैं छोटे लेवल पर घर पे बात करूं, आप घर में खाना बनाते होंगे, मम्मी बनाती होंगी, और वो खाना अगर बर्बाद हो जाए तो भी वेस्टेज हो जाएगा ना। उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, हम लोग को फूड को प्रिजर्व करना चाहिए। तो प्रिजर्व करने के लिए पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्या क्या ऐसा मेथड है और क्यों प्रिजर्वेशन करना है, और हाउ द बैक्टीरिया और द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारा फूड को स्पॉइलिश करने का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, ये जानेंगे इस चैप्टर में। समझेंगे अबाउट द मेथड्स यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड एज वेल एज फूड ग्रेन्स, ये हम दोनों देखेंगे। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम्स, ये क्वेश्चन आता है, आप इसके आंसर जानेंगे। वी नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज अंडर द मॉइस्ट कंडीशन, अगर हम लोग ब्रेड बोलते हैं उस पर एक्सपायरी डेट होता है, आप जाना बेकरी शॉप पे या बगल वाले किराने दुकान पे, बोलना भैया ब्रेड दीजिए, उस पर डेट देखना, डेट एकदम 1 से 2 दिन का होगा, 1 सप्ताह का नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 1 वीक का पुराना ब्रेड अगर यूज करें तो हमें यह पता चलेगा दे आर अटैक्ड बाय फंगस, दैट इज जो हमारा पैथोजेंस है, जो हमारा माइक्रोब्स है, जो हमारा ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो ग्रो कर चुका है और डैमेज कर चुका है हमारा फ्रूट को। तो जो हमारा डैमेजिंग के पार्ट बात करेंगे उसको स्पॉइलेज बोलते हैं। स्पॉइलेज हो चुका है, स्पॉइल्ड फूड इमिट बैड स्मेल्स एंड हैव बैड टेस्ट, और सम टाइप्स ऑफ केमिकल्स आल्सो दे प्रेजेंट। सो हम लोग क्या करना चाहिए, वी डू नॉट कंज्यूम सच टाइप ऑफ फूड्स विच गेट स्पॉइल्ड। अगर स्पॉइल्ड होने का तरीका कैसे जानेंगे सर, तो उस पर कुछ माइक्रोब्स ग्रो कर जाने चाहिए। जैसे मान लीजिए ब्रेड्स है, तो ब्रेड्स पे आप ये देखेंगे कि इस पे जो हमारा फफूंदी टाइप का ये प्रेजेंट होगा, इसकी मैं आगे डायग्राम की मैं बात करूंगा, ये स्टेप से प्रेजेंट है। दैट मीन्स अगर फूड पे, अगर ब्रेड पे कुछ और पैथोजेंस दिख रहे हो नेकेड आइज से, हालांकि वो लगेगा नहीं कि पैथोजेंस है, बट उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है फाइबर्स टाइप, तो हम लोग समझ लेंगे। साथ ही साथ बैड टेस्ट देखेंगे, स्मेल देखेंगे, चेंज इन कलर देखेंगे, फैटी चीजें तो रेंसिड हो गया होगा, तो अलग अलग तरीकों से हम लोग डिटेक्ट करेंगे दैट द फूड गेट स्पॉइल्ड एंड स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज अ केमिकल रिएक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। दैट मीन्स सम, अगर बात करें मैंगोज की है ना, बट वी कुड नॉट ईट, अगर मान के चलिए
सब मैंगोज आप यहाँ पर एनसीईआरटी याद रखिएगा, बूझो इन पहेली पहेली क्या करती है, सब मैंगो को लाती हैं बट वो नहीं खाती हैं, बिकॉज आफ्टर फ्यू डेज क्या बोलते हैं, लेटर सी फाउंड दैट दे आर स्पॉइल्ड एंड रोटेन। कुछ दिन के बाद अगर आप देखिएगा, जैसे कि एनसीईआरटी में पहेली और बूझो का एक आता है हमारा संवाद, उसमें से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ऐसा यूज किया जाता है कि जो पहेली होती है वो एक लाती तो है मैंगोस बट वो ईट नहीं करती है, और कुछ दिन के बाद वो स्पॉइल्ड हो जाता है और वो सड़ जाता है, दैट इज केमिकल हो जाता है प्रोसेस। सो हम लोग नो दैट हाउ द मैंगो पिकल्स हर ग्रैंड मदर मेक डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट आप ये जानते होंगे जो आम का अचार होता है वो बहुत दिन तक चलता है बट आम का फल नहीं चलता है, ऐसा क्यों? हाउ कैन सस्टेन सच अ लॉन्ग टाइम हो, है ना, ऐसा क्यों? क्योंकि वो आप कंफ्यूज है, बट यहाँ पर समझिए जो कॉमन मेथड है प्रिजर्विंग का वो मेथड से ही हम लोग अचार बनाएंगे। और आपको ये पता होना चाहिए जो अचार बनाते हैं उसमें सॉल्टिंग और ऑयलिंग वगैरह यूज करते हैं, जिससे हमारा माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं होता है और इनहिबिट होता है ग्रोथ। देखिए बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला तो प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, अगर मैं बात करूँ स्टोरिंग इन एयर टाइट कंटेनर्स, कोल्ड ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट कर सकते हैं, बाय शुगर एडिंग कर सकते हैं। अगर मैं इसमें देखूँ सॉल्टिंग, ड्राइंग, शुगरिंग, पिकलिंग, फ्रीजिंग, स्मोकिंग और कैनिंग। स्मोकिंग मतलब वो स्मोकिंग नहीं है बाबू जो आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है, यहाँ स्मोकिंग का मतलब हो गया धुआं लगाना। अगर ड्राइनेस कर दिए तो भी हमारा फूड क्या होगा, प्रिजर्व हो सकता है। आइए हम लोग आगे बात करते हैं, व्हाट आर द केमिकल मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अगर हम फूड को केमिकली प्रिजर्व करना चाहेंगे तो कौन कौन सा मेथड है, तो सबसे पहला जो मेथड लेते हैं वो लेते हैं सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स को ऐड कर दिए और इन सच अमाउंट, ऐसा नहीं कि पूरा तेल में ही डुबा कर रख दिए, इतना कि तेल उसमें लगे। आप होता ना कभी कभी मार्केट में अचार देखते होंगे, आपकी मम्मी बनाती हैं, घर में देखते होंगे अचार को, उसमें तेल कंटेंट ज्यादा होता है, तेल कंटेंट आपको लगेगा कि तेल बहुत ज्यादा पड़ा हुआ, क्यों? क्योंकि उसको अगर प्रॉपर एडिबल ऑयल अगर नहीं मिल पा रहा है तो हमारा जो फूड्स है, जो हमारा पिकल्स है वो आपका क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। इन दैट केस ये ध्यान रखना होता है कि प्रॉपर साल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर जनरली एडेड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स और वो इनविट करेगा, ब्रेक करेगा। अगर मैं बात करूं देयर फॉर दे कैन कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स कह सकते हैं, किनको, सॉल्टिंग मेथड को, ऑयलिंग को। वी एड सॉल्ट और एसिड, एसिड मतलब ये मैं बात करता हूँ एसिटिक एसिड की, ये एसिटिक एसिड ऐड किया जाता है किसमें, पिकल्स में, टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। और अगर मैं बात करूँ सोडियम बेंजानोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, ये केमिकल्स हैं, ये भी हमारा जो होता है प्रिजर्वेटिव्स होता है। अगर मैं बात करूँ दीज आर द सम यूज जैम्स, आप स्क्वैसेस याद करते होंगे अचार वगैरह के साथ साथ खाते होंगे, जो ये चेक करता है स्पॉयलेज को। सो हम लोग इसको ऐड करके हम अपने फूड को प्रिजर्व करते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये शुगरिंग का मेथड आप यहाँ पर समझ सकते हैं, और नॉर्मल ये शुगरिंग नहीं है, ये आपका सॉल्टिंग है दोस्तों, आप इसमें ध्यान रखेंगे। क्या ये आपका सॉल्टिंग है, और कौन सा सॉल्टिंग मेथड है, तो कॉमन सॉल्ट को ऐड कर दिए, क्या कर दिए, कॉमन सॉल्ट को ऐड कर दिए, कॉमन सॉल्ट ऐड, ताकि प्रिजर्वेशन हमारा हो सके। ये नींबू का अचार आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है इस टाइप से सारा। अगर मैं बात करूं आपके प्रिजर्वेटिव्स बाय कॉमन सॉल्ट एडिंग में किस किस चीज में ऐड करते हैं, तो सबसे पहला ऐड करते हैं प्रिजर्वेटिव मीट में, फिर फिश में, ज्यादा दिन तक हमारा टिक सके। आप देखते होंगे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवाते हैं, हम लोग रहते हैं बिहार में, आप जान रहे होंगे जो कोस्टल साइड से कोलकाता, वहां से फिश वगैरह जब आता है इंपोर्ट होके, तो उसमें हमारा सॉल्ट वगैरह ऐड होगा ताकि फिश जो है जल्दी गले नहीं, जो मीट होंगे, जो फिश होंगे, कवर्ड होंगे विथ ड्राई सॉल्ट टू टेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टेरिया। और सॉल्टिंग जो है यूज किया जाता है किसमें, आंवला में, रॉ मैंगोज में, टैमरिन में और अलग अलग चीजों में, जहां से आप फूड को प्रिजर्व भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं प्रिजर्वेशन बाय शुगर की, तो जैम में शुगर ऐड कर दिए, जेलीज वगैरह हो गया, स्क्वैशेस हो गए, प्रिजर्व बाय द एडिंग ऑफ शुगर एंड शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड स्पॉइल द फूड।
अगर मॉइस्चर कंटेंट ही नहीं होगा सारा, वो हमारा शुगर अगर ले लिया है, उस दैट केस में क्या होगा, हमारा फूड जो है स्पॉइल्ड होने से बच जाएगा। इसीलिए आप मार्केट में जो खरीदते होंगे पाचक वगैरह जैम जेलीज देखते होंगे, उसमें शुगर कंटेंट दोस्त इतना ज़्यादा होता है कि वो मॉइस्चर को आप समझ लीजिए छोड़ेगा ही नहीं, दैट इज मॉइस्चर होगा ही नहीं, कंप्लीटली लैक्ड होंगे, उस केस में हमारा फूड स्पॉइल नहीं होगा। अगर मैं इस कॉमन सॉल्ट की बात करूं, इस तरह से आप मीट पैकिंग का देख सकते हैं। अगर मैं शुगर की बात करूं, ये आप आराम से एडिंग देख सकते हैं, ये शुगर का क्रिस्टल्स वगैरह बनाया हुआ है जेम्स के लिए। अगर आप बात करते हैं वॉयल और विनेगर्स की, आप ये देख रहे होंगे अचार में वॉयल का एडिंग किया जा रहा है, दैट मीन्स यूज ऑफ वॉयल एंड विनेगर प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरमेंट। और मैं बात करूं वेजिटेबल्स फ्रूट फिश ये सब जो भी हैं हम सबको प्रिजर्व कर सकते हैं बाय द मेथड्स ऑफ दीज थ्री, दैट इज आपका वॉयलिंग सॉल्टिंग एंड शुगरिंग, ये सारे प्रोसेस थे। अब अगर मैं बात करूं हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट क्या होता है, हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोगों ने कभी देखा होगा अपने मदर को बॉइलिंग मिल्क मिल्क करती हैं, ऐसे दही बनते हैं सबको देखे होंगे, और मैक्रोफ में हम लोग पढ़े भी हैं यूज दही का, है ना। तो दही के लिए क्या करते हैं, पहले जो मिल्क होता है उसको बॉयल करते हैं दोस्त, फिर बॉयल करने के बाद ल्यूकवार्म, फिर उसमें इनोक्युलम ऐड करते हैं, तब जाके हमारा ग्रोथ होता है लैक्टोबैसिलस का, और जो प्रोटीन है मिल्क का वो डाइजेस्ट होके एज अ पार्शियली डाइजेस्टेड कर्ड बनाएंगे। दैट मीन्स जो बॉयलिंग ऑफ मिल्क किए अंडर सच अ हाई टेम्परेचर, फिर क्या करते हैं, बॉयलिंग किल्स द मेनी बैक्टीरिया। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, लो टेम्परेचर आल्सो इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ मैक्रोब्स। लो टेम्परेचर पे भी क्या होगा, हमारा बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होगा, माइक्रोब्स नहीं ग्रोथ होंगे। तो पैस्चराइजेशन एक टेक्निक्स है जो साइंटिस्ट थे लुईस पैस्चर्स, उन्होंने पहला बार यूज किया। अगर मैं बात करूं मिल्क कैन बी कंज्यूम, अच्छा एक मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं। आप क्या करते हैं, आप देखते हैं मार्केट जाते हैं, एक्स वाई जेड कंपनी की मिल्क पाउच खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं, उस पर लिखा हुआ रहता है पास्चुराइज कृत। पास्चुरीकृत मतलब हो गया आपका जो मिल्क है वो ऑलरेडी पास्चुराइज कर चुका है, मतलब वो बॉयलिंग हो चुका है, बॉयलिंग के बाद कूलिंग हो चुका है। कूलिंग में अगर मैं बात करूं विदाउट बॉयलिंग इट इज फ्री फ्रॉम माइक्रो हार्मफुल माइक्रोब्स। तो मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉयलिंग, हम लोग अगर जो लाते हैं बाहर से अगर वो दूध अगर पी ले या खा ले तो कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा हमारे बॉडी में, क्यों, क्योंकि वो पहले से बॉयल करके कूल कर दिया गया है और हम लोग उसको यूज करते हैं द मिल्क। हाँ पर बॉयल करते क्यों है, क्योंकि वो बहुत दिन का रहता है तो उसको बॉयलिंग करना होता है, अलग अलग तरीके हैं, बट पीने से कोई नुकसान नहीं है दोस्त। जो मिल्क है उनको हीट करने पे है अप्रोक्स आप देखेंगे वो 70 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, यहाँ पर कितना 15 से 30 आप यहाँ पर दिया हुआ सेकेंड्स। अगर मैं बात करूँ और इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं 62 अगर कर लेते हैं डिग्री सेल्सियस, तो मिनट में ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा अप्रोक्स 30 मिनट के आसपास। इस तरह से जो होता है हमारा डाटा चेंज होगा, तो ज़्यादा टेम्परेचर पे कम सेकेंड के लिए सडनली फिर चिल्ड करेंगे एंड स्टोर कर देंगे। By doing this, it prevent the growth of microbes. This process is discovered by Louis Pasteur. ऐसी के नाम पे पढ़िए पैस्चुराइजेशन। क्लियर है? बिल्कुल। आप यहाँ पर देख सक रहे हैं ये आपका हीटिंग कूलिंग इफेक्ट, ये कंटेनर बना हुआ है, इस टाइप से सारा कुछ देख पाएंगे आप। ये यहाँ पर भी पैकिंग चल रहा है, फ्रीजर होगा डीप फ्रीजर, बॉयल करने के बाद इसमें सारा रख रहे होंगे। अगर मैं बात करूं आपको स्टोरेज और पैकेजिंग की, तो देखेंगे दिस डे ड्राई फ्रूट्स इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट टू प्रिवेंट अटैक ऑफ माइक्रोब्स। जितने भी चीज आप खरीदते होंगे पैकेजिंग की क्वालिटी तो शानदार होनी चाहिए, अगर पैकेजिंग का क्वालिटी नहीं होता है तो आप उसको एज अ वैल्यू भी नहीं देते हैं। आजकल आप देखते होंगे हर चीज का पैकेजिंग का बहुत बड़ा ध्यान रखा जाता है। अगर मैं बात करूं पिकल्स, देखिए कितना शानदार तरीके से, अगर आप इसको देख रहे होंगे तो आप इमेजिन कीजिए कि आपके जो किचन्स है वो किचन्स में ऐसा ही हो तो मजा आ जाए। दैट मीन्स आप ये देखिए सारा का सारा कंटेनर्स पिकल्स भरा हुआ, तरह तरह का, नींबू का अचार, आम का अचार, पता नहीं क्या क्या का अचार है, इतना तो मैं कभी खाया भी नहीं हूँ। ड्राई फ्रूट्स भी भरे पड़े हैं, है ना, ये सारे दिख रहे हैं, सब प्रिजर्व करके रखा गया है। ये आपका कुछ और भी है, स्नैक्स वगैरह है, सारा अलग अलग कंटेनर में पैक करके रखा गया है, क्यों, ताकि ये स्पॉइल्ड ना हो एंड फॉर लॉन्गर टाइम और एजेस इट कैन बी कंज्यूम्ड और यूजेबल। अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आपका माइक्रोस हो गया खत्म,
बट लास्ट टॉपिक और जबरदस्त टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है, वो है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन का। दैट मीन्स जो हमारे माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स का जो यूज है वो यूज ये भी है, रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट कंटेंट, न्यूट्रिएंट कंटेंट इन द सॉइल। जो सॉइल में होंगे न्यूट्रिएंट कंटेंट को भी वो रिप्लेनिश करेंगे। उसमें एक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एफिशिएंट मैकेनिज्म है वो पढ़ना होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आप यहाँ पर ये देखिए, जो हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन की मैं बात करूँ, लिटरली टर्म का मतलब समझ रहे होंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आप ये जानते होंगे दोस्त, एयर का कंपोजिशन जानते होंगे। एयर की कंपोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो आपको ये पता होगा 78% हमारा क्या है, नाइट्रोजन है। 28% हमारा क्या है, वो आपका ऑक्सीजन है। ये आपका नाइट्रोजन हो गया। 1% जो बच गया वो हो गया अदर गैसेस में। तो आपको ये पता होगा जो 78% नाइट्रोजन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है फॉर प्लांट्स के लिए, तो उसको फिक्स करना होता है। दैट मीन्स अपने लिए आप बोल सकते हैं कंज्यूमेबल, दैट मीन्स जिसको हम कंज्यूम कर सके। एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं करते हैं, तो हमको क्या करना होता है, यहाँ पर ध्यान रखना है अलग तरीके से। जो एसेंशियल तरीका है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे यूएबल कंपाउंड में। अब यहाँ पर देखिए, इज द एसेंशियल बायोलॉजिकल प्रोसेस। हमारा ये दो टाइप्स का होता है, बायोलॉजिकल भी होता है और नॉन बायोलॉजिकल भी होता है। बट बेटा आपको पढ़ना बायोलॉजिकल प्रोसेस, इनिशियल स्टेज ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल का मतलब हर चीज का एक साइकिल है, जिसके कारण हम लोग जो चीज यूज करते हैं वो रिपीट होकर एज अ वापस उसको अगेन करते हैं। तो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल इस तरह का साइकिल पढ़ना होता है बहुत चीजों का। तो न्यूट्रिएंट का साइकिल में हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल्स। नाइट्रोजन साइकिल्स जो एसेंशियल बायोलॉजिकल साइकिल्स है, इन विच हम कह सकते हैं इन द प्रोसेस नाइट्रोजन इन द एटमोस्फेयर इज कन्वर्टेड इनटू द अमोनिया और अदर कंपाउंड दैट इज नाइट्राइट नाइट्रेट्स। इसमें कन्वर्ट्स होंगे बाय सर्टेन बैक्टीरियल स्पीसीज लाइक राइजोबियम्स और भी हाइजोटोबैक्टर्स, नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोबैक्टर। ये सब बैक्टीरिया के हेल्प से ये सारा जो होगा वो नेचुरली हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन कंपाउंड में, जो कि कंपाउंड क्या होगा, यूज कर सकेंगे प्लांट और नाइट्रोजन को यूज नहीं करते हैं। तो राइजोबियम लिव्स जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रोब्स है हमारा राइजोबियम, वो राइजोबियम प्रेजेंट होता है रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। मैंने आपको बताया था ये सारा कुछ। दैट मीन्स जो बीन्स हो गए, पीज हो गए, इसमें विथ विच इट हैज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, अब आप यहाँ पे कह सकते हैं इज राइजोबियम इज हार्मफुल टू प्लांट। मैं बोलूंगा नो, बिल्कुल नहीं। इज राइजोबियम इज हार्मफुल टू प्लांट, तो नॉट हार्मफुल टू द प्लांट। सिम्बायोटिन का मतलब होता है पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस प्लस रिलेशनशिप। प्लांट को नाइट्रोजन दिया जा रहा है और प्लांट बदले में फूड मटेरियल और शेल्टर दे रहे हैं, ये चीज मिल रहा है। तो ये सिम्बायोटिक का मतलब समझ के रखना है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की मैं बात करूं, इसका दो तरीका है। अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो इस पे लिखते हैं लाइटनिंग, LIGHTNING, आपका लाइटनिंग हो गया। बायोलॉजिकल में दो पढ़ना है, दैट मीन्स नॉन सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक, नॉन सिम्बायोटिक जो प्लस प्लस बेनिफिट ना हो, सिम्बायोटिक दोनों है थ्रू नॉन नोड्यूलेशन और नोड्यूलेशन तरीके से। हम लोग को पढ़ना है नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट इज आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। यह मैं से आपको दिखाऊं आप इसको ऐसे समझेंगे, ये पढ़ना है बेटा आपको, ये पढ़ना है नाइट्रोजन फिक्सेशन बायोलॉजिकल सिम्बायोटिक रूट नोड्यूलेशन के थ्रू, ये पढ़ना है आपको। आगे हम लोग बात करते हैं, जो हमारा नाइट्रोजन साइकिल की हम लोग बात करेंगे, व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल। तो जो नाइट्रोजन साइकिल की हम बात करते हैं, ऊपर में आप देख रहे होंगे ये हो गया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो प्लांट यूज कर रहा है,
दैट मींस नहीं कर पा रहा, तो उसको बैक्टीरिया, प्लांट यूज नहीं कर पा रहा है, प्लांट को यूज करना चाहिए नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेंगे, बैक्टीरिया इसको जो होंगे नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया, वो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया जो है, दैट मींस ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी भी है, वो फिक्स करते हैं किसको, दैट मींस एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को इन द नाइट्रोजनस कंपाउंड, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को, एटमोस्फेरिक को नाइट्रो जेनस कंपाउंड में, और ये कंपाउंड जो है वो हमारा कौन ले रहा है, सॉइल में जा रहा है, सॉइल से कौन ले रहा है, ये प्लांट ले रहा है, और अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं ये प्लांट को कौन ले रहा है, एनिमल्स खा रहे हैं, एनिमल वापस डिग्रेड करेगा, वो जो ऑक्सीकरण करेगा डेथ होगा, वो वापस सॉइल में जाएगा, और सॉइल में जाएगा तो सॉइल से एक्स ये हो सकता है कि जो हमारा नाइट्रोजन हो वो नाइट्रोजन ही बाहर निकल जा रहा है और ये फिर से एटमोसफेयर में जा जा रहा है, और फिर एक तरीका ये भी है लाइटनिंग, जो कि हमारा फिजिकल प्रोसेस हो गया, फिजिकली हमारा क्या होगा, लाइटनिंग के मदद से डायरेक्ट जो नाइट्रोजन है वो हमारा अमोनिया में बन जा रहा है, ये चीज़ यहाँ याद रखेंगे, और हमारा ये नाइट्रोजन का पार्ट में चला जाएगा, और भी नाइट्रोजन जो होगा वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और भी नाइट्रेट नाइट्राइट इस तरह से कंपाउंड बना लेंगे। अगर मैं बात करूँ आगे सिग्निफिकेंस क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, तो नाइट्रोजन जो है एसेंशियल कंपोनेंट है किसका, अमाइनो एसिड दैट मींस प्रोटीन पार्ट का, और प्रोटीन के साथ साथ एंजाइम्स भी प्रोटीन से बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनते हैं और प्रोटोप्लाज्म बनते हैं, तो सेल का कंस्टिट्यूएंट, सेल का कंस्टिट्यूएंट के बेसिस पे हमारा नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, और जो नाइट्रोजन का सोर्स होता है वो एटमोस्फेयर में है। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा ज्यादा ही, अगर स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल से आप देखना चाहेंगे तो पहला हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, बेटा ट्रैपिंग ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एंड फिक्सिंग इनटू द सॉइल, कन्वर्टिंग इट इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, ये पढ़ेंगे NO2-, ये पढ़ेंगे NO3-, है ना, इट अकर्स फॉलोइंग वेज। तो पहला क्या होता है बायोलॉजिकली आप देखिएगा, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब विद द हेल्प ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एनेवियाना, ये सब के मदद से हमारा क्या होगा, और भी है फ्रेंकिया भी है, FRANKIA, और भी होगा बहुत सारा, तो आप ये देखेंगे इन सब के मदद से क्या होगा हमारा जो नाइट्रोजन है वो फिक्स होता है। और मैं आपको बता दूं एटमोस्फेरिक जो नाइट्रोजन्स हैं विद द हेल्प ऑफ लाइटनिंग भी होंगे, ये हमारा फिजिकल में मैंने आपको बताया अभी पॉइंट, और अगर आप ये देखेंगे जो नाइट्रोजन एसिमिलेशन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड बाय द प्लांट्स एंड यूटिलाइज देम फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, इसमें भी हमारा एसिमिलेशन कहलाएगा, और जो अमोनिया फिकेशन की बात करेंगे दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन्स ऑफ डेड एंड प्लांट्स एनिमल्स, अब जो भी एनिमल्स है टू अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, नाम है बैसिलस रेमोसस। अब चलिए, तो बैसिलस के प्रेजेंस में ये हमारा कन्वर्सन्स होगा। थोड़ा सा मैं आगे बात करूं नाइट्रिफिकेशंस की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाइट्रिफिकेशन, कन्वर्सन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट NO2-, NO3-, इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, वो है नाइट्रोजोमेनास, अमोनिया टू नाइट्राइट, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रेट टू नाइट्राइट, नाइट्राइट टू नाइट्रेट, मतलब Na2 से NO3 बनाएंगे इस तरह से, तो ये हमारा कहलाएगा नाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट इनटू द मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, दैट मींस N2 में कन्वर्ट हो गया, प्रेजेंस ऑफ डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन, तो इस तरह से हमारा वापस से ये सारा सारा चलता है। तो आपने इसमें क्या देखा, जो भी माइक्रोब्स थे वो यूज होते हैं और वो सारा सारा हेल्प होता है ताकि ये सारा प्रोसेस हो सके। तो यहां तक ये हमारा चैप्टर समाप्ति है दोस्त, अब हम लोग मिलेंगे सेकेंड चीज दैट मींस नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए बने रहिए, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, SMS आपको वो सारी सुविधाएं देता है जो स्कूल प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।